लक्ष्मी को हुई जेल और ऋषि ने छोड़ दिया लक्ष्मी का साथ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी शालू पारो को लेकर बस से जा रही होगी, तभी नीलम के बिछाए हुए जाल में कि पुलिस वालों की जीप लक्ष्मी के बस के पीछे लग जाएगी और पुलिस बस को रुकवा देगी। यहाँ पर पुलिस लक्ष्मी को ढूंढती हुई पारो को देखने के लिए आएगी, तभी पुलिस को बस में लक्ष्मी मिल जाएगी और पुलिस को देख कर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और पुलिस लक्ष्मी को अपनी जीप में बिठा कर पुलिस स्टेशन ले जाएगी। यहाँ पर लक्ष्मी परेशान होकर पुलिस वालों को कहेगी कि क्या हुआ है, आप मुझे इस तरह पुलिस स्टेशन क्यों ले आए हैं, मेरा गुनाह क्या है और मैंने किया क्या है। तभी यह सुनकर पुलिस वाला गुस्से से लक्ष्मी को कहेगा चुप रहो, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। जिसे सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगेगा। यहाँ पर पुलिस वाला अपनी लेडी कांस्टेबल को कहेगा कि जाओ इसे जेल में बंद कर दो। तभी लेडी कांस्टेबल लक्ष्मी का हाथ पकड़ के लक्ष्मी को जेल में बंद कर देगी और पुलिस वाला तभी नीलम के पास नीलम को कॉल करेगा और नीलम को कहेगा कि मैडम जी आपका काम हो गया, हमने आपकी पोती पारो को बचा लिया है और अब पारो हमारे पास है और लक्ष्मी को जेल में बंद कर दिया है। जिसे सुनकर नीलम काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और नीलम तभी पुलिस वाले को कहेगी कि ठीक है हम अभी आ रहे हैं। जहाँ पर तभी ऋषि नीलम के पास आएगा और नीलम को कहेगा कि मॉम लक्ष्मी मिली, तभी नीलम कहेगी हाँ लक्ष्मी मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। जिसे सुनकर तभी ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाएगा। जहाँ पर जब पुलिस स्टेशन में नीलम पारो को अपनी कस्टडी में लेने के लिए वकील के साथ फाइल लेकर आएगी और नीलम वकील को कहेगी कि पारो हमारी कस्टडी में सच में हो जाएगी ना, क्योंकि वो हमारी पोती है। तभी वकील कहेगा आप बेफिक्र रहिए, आप अभी से समझ लीजिए कि पारो आप ही की कस्टडी में है। जैसा सुनकर तभी नीलम पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले के पास आकर लक्ष्मी के खिलाफ चार्ज दाखिल कर देगी। यहाँ पर तभी ऋषि लक्ष्मी को जेल में देखेगा और लक्ष्मी ऋषि को अपने सामने देखेगी। तभी लक्ष्मी अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और ऋषि को लक्ष्मी को देख मन में काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। जहाँ पर ऋषि गुस्से से लक्ष्मी के पास जाएगा और लक्ष्मी ऋषि को कहेगी कि थैंक गॉड तुम आ गए ऋषि, देखो इन लोगों ने पता नहीं मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया है, इनको कहो कि मैंने कुछ नहीं किया है। तभी यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा। जहाँ पर तभी लक्ष्मी ऋषि से पूछेगी कि मेरी बेटी पारो कहाँ है, तुम्ही तो कहते थे ना कि मैं दुनिया की बेस्ट मदर हूँ। तभी यह सुनकर ऋषि सीधे ना कह देगा और कहेगा नहीं। जिसे सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी ऋषि कहेगा कि दुनिया की बेस्ट मदर तुम तब होती जब तुम्हारी बेटी का कोई पिता नहीं होता और तुम्हारी बेटी को कोई देखने वाला नहीं होता और तुम अपनी बेटी की परवरिश अकेली करती, सबसे लड़कर दुनिया के खिलाफ जाकर करती तो तुम बेस्ट मदर होती, लेकिन तुम एक पिता को एक बेटी से अलग करके बेस्ट मदर नहीं बन सकती हो। तुम चाहती थी ना कि तुम अकेली पारो को पालोगी और पारो को अपने पास रखने का सिर्फ तुम्हारा ही हक है, तो इसीलिए आज तुम जेल में बंद हो लक्ष्मी। जिसे सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी ऋषि को कहेगी यानी तुमने मुझे जेल में बंद किया है, तुमने उन पुलिस वालों को भेजा था मुझे पारो और शालू को पकड़ने के लिए। तभी ऋषि कहेगा हाँ लेकिन मैंने नहीं बल्कि मेरी मॉम ने भेजा था, तुम्हें उनकी पोती पारो के संग अकेली जाने का शौक था ना, इसलिए मॉम ने पुलिस वालों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा और ऋषि अब नहीं देगा लक्ष्मी का साथ, और ऋषि लक्ष्मी का साथ ना देकर सही करेगा क्या नहीं, और पारो पर किसका हक है, लक्ष्मी का या ऋषि का या फिर दोनों का, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।